तशहुद में उंगली को कैसे रखना चाहिए? तशहुद शुरू में ही कैसे रखना चाहिए जी उसको? सर, शुरू तशहुद तशहुद में, आखिरी तशहुद में, बल्कि दोनों तशहुद में, चाहे पहले पहले पहला तशहुद हो या आखिरी तशहुद हो, जी उसमें उंगली को दो तरीका है। ये जो उंगली है जिसको हम लोग शहादत की उंगली बोलते हैं, इसको जी अरबी में जो है सबाबा बोलते हैं, हम लोग शहादत की उंगली जी बोलते हैं, इसको तो उठाए रखना है, इसको इशारे में की पोजीशन में रखना है। बाकी जो उंगलियां हैं उनके सिलसिले में हदीस में दो तरीका वारिद हुआ है। एक तो ये कि पूरी तमाम उंगलियों को समेट के रखें आप एक साथ, और दूसरा तरीका ये है कि 53 के अंदाज में, हदीस के अंदर 53 के अल्फाज है, 53 के अंदाज में। तो देखिए, एक उंगली आपने उठाया हुआ है और ये जो अंगूठे वाली उंगली है उसको आप यहाँ नीचे रखते हैं, तो ये एक तरह से 5 बनता है अरबी का, और ये बाकी 3 उंगलियां हैं, तो ये इसको कहते हैं कि 53 वाले अंदाज में इसको रखना है। और दूसरा तरीका है कि सारी उंगलियों को, चारों उंगलियों को इस तरह समेट के रखें और इसको उठा करके रखें। तो जो तरीके, दोनों तरीकों में से किसी पर भी आप अमल कर सकती हैं। बाकी जिस उंगली को उठा करके रखना है उसके सिलसिले में हदीस के अंदर कई तरह के अल्फाज वारिद हैं, उन तमाम अल्फाज को जमा करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि मुसलसल उसको इशारे की पोजीशन में रखना है, और जब आपने ऐसे उठाया जी हुआ है तो ये इशारा हो गया, और जहां पर दुआया कलिमात आप पढ़े वहां पर हरकत दें। हालांकि बाज फुकहा ने कहा है कि मुसलसल हरकत देना है, दोनों तरह के अकवाल हैं, लेकिन सही बात ये जी मालूम होती है कि जहां इशारा जब आपने उठाया हुआ है तो इसको इशारा कहा जाएगा, जहां पर दुआया कलिमात से गुजरे वहां पर आपको हरकत देना है। तो इसको इसको इशारा नहीं कहते हैं, इसको हरकत कहते जी हैं, इशारा तो सिर्फ उठाने को कहते हैं। तो इशारा मुसलसल आपको करना है और हरकत दुआया कलिमात पर करना है। जी इशारा मतलब शुरू से आखिर तक वो उंगली उठाई रखना है। जी जी हाँ, इसको उठाए रखना है इस उंगली को, और ये सुन्नत है। जी सर, हाँ, एक चीज और मैं इसी से मतलब फायदे की चीज है जो बता दूं, कि जैसे जो हमारा हमारी हथेली है, तो जी तशहुद में जब हम बैठेंगे तो उसको कहाँ पे रखेंगे, उसका भी दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि अपने रान पर रखें, जैसे जी दाएं हाथ से तो हम इशारा कर रहे हैं उंगली को उठा करके, बाएं हाथ कहाँ रखेंगे, उसका एक तरीका है कि उसको हम अपने रान पर रखें। दूसरा तरीका यह है कि उसको अपने घुटने तक ले जाएं, यानी गोया कि जैसे घुटने को ऐसे पकड़ के रखें। तो दोनों तरीके में से किसी पर भी आप अमल करेंगे सुन्नत पर अमल होगा। आप रान पर भी रख सकते हैं, और थोड़ा आगे ले जा करके घुटने को, जैसे हम रुकू में जिस तरह पकड़ते हैं, तो जाहिर है रुकू की तरह तो नहीं पकड़ेंगे इसमें, लेकिन अपने जी पंजे को घुटने के चारों तरफ रखेंगे।